नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं। हम लोग हैं पोरबंदर में, सासनगीर से यहाँ आए थे। बेसिकली किसी से मिलना था, पोरबंदर घूमने का कोई प्लान नहीं था, और अब हम लोग यहाँ पोरबंदर से निकल रहे हैं राजकोट के लिए। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, रोड नापते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये पोरबंदर का एयरपोर्ट है जो हमारे लेफ्ट साइड है, और पता नहीं यहाँ से फ्लाइट्स वगैरह ऑपरेट होती हैं कि नहीं। और ये है देश का वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे कह सकते हैं, तो NH-27। कहीं ना कहीं इसको हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी जान के नाम से भी जानते हैं। और ये समझिए कि पोरबंदर में आके यहाँ से जो ख़त्म हो रहा है, ये स्टार्ट होता है आसाम में सिलचर से, आसाम से बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान होते हुए गुजरात आता है। और ये जो सामने दिख रहा है, ये है पोरबंदर का बाईपास, न्यू बाईपास। और ये राइट साइड में सोमनाथ से आ रहा है, लेफ्ट साइड द्वारका की तरफ जा रहा है। NH-27 की जो कंडीशन है वो टॉप नॉच है, बट क्या है ना कि इस पर जहाँ तहाँ स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, तो ये वैसे तो इस पर शायद स्पीड लिमिट 80 की होगी, तो जहाँ कैमरे हैं वहाँ पे जनरली लोग थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं। बीच बीच में जहाँ रोड के पैच ख़राब है वहाँ रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। पोरबंदर में लंच करते समय नागार्जुन भाई ने इतनी अच्छी छांस दी थी ना, कि ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा ज़्यादा पी लिया, और अब नींद आ रही है, और भयंकर वाली नींद आ रही है। वीना तो सो रही है, मेरे को भी झपकी आ रही थी, तो मैं भी 10 मिनट यहाँ पर जो है ना रेस्ट कर रहा था। फिर अभी आँख मुँह धो लिया है और अब चलते हैं आगे। इट्स 4:40 PM एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग उपलेटा। और हाईवे का क्या बताना, हाईवे तो बढ़िया है ही, और इस पर ट्रैफिक भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। ये ऊपर वाला जो हाईवे है ये सोमनाथ से आ रहा है, और हम लोग पहुंच गए अब जैतपुर बाईपास।
शाम का टाइम है, जयपुर के बाद इस हाईवे पर काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है और लेफ्ट साइड में जैसा कि दिख रहा है रोड एक्सपेंशन का भी काम चालू हो गया है। शायद ये रोड अब 6 लेन बने या मे बी 8 लेन, हु नोज। तो वीरपुर क्रॉस हो गया और अब हम लोग थोड़ी देर में गोंडल पहुंचेंगे और जैसा कि शाम का टाइम है ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है अब और बाइक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो गोंडल क्रॉस हुआ और शाम का ये अलग है ना कि ट्रैफिक यहीं से मिलने लगा और राजकोट तक खतरनाक ट्रैफिक मिलेगा। एक बार बहुत पहले अपन सोमनाथ से रिटर्न होते हुए शाम को फंसे भी थे। तो मेनली इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, तो अभी ऑफिस बंद होने का टाइम होता है, वर्कर्स अभी छुट्टी पे निकलते हैं, तो 6 से लेकर के आई थिंक 8-8:30 तक भयानक ट्रैफिक रहता है। तो गोंडल और राजकोट के बीच में हम लोग रुक गए एक जगह शाम की चाय पीने के लिए और ट्रैफिक तो है हाई, बाकी वॉशरूम भी सबको यूज़ करना था। बाबू गेट बंद कर दो, दीदी सो रही है, गेट बंद करो। बाबू जो है उछल कूद कर रहा है और लवी को नींद आ रही थी तो वो गाड़ी में सो रही है। सुबह से हम लोग खा ही रहे हैं जी। शासन गिर में भी हम लोग इतना बढ़िया नाश्ता था वो कर लिए, तो सुबह से हम लोग इतना खा लिए है ना, पेट पूरा भरा भरा सा लग रहा है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो लग रहा है कि एक दो दिन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा बाबा, बहुत खाया है। अब लास्ट लेग जो है इसको कंप्लीट करते हैं और घर जाके आराम से रेस्ट करेंगे। घर में भी जाके कोई खाना वाना बनाना नहीं है, किसी को खाने का मूड ही नहीं। और पता नहीं ऐसे कैमरे में तो नहीं पता चल रहा होगा लेकिन गाड़ी पे ना एकदम फाइन मिट्टी की जो है ना लेयर जम गई है, इसीलिए गाड़ी और ज़्यादा डार्क लग रही है। अदरवाइज धूप में जो है थोड़ी ब्लू ब्लू तो नज़र आ रही थी। एनीवेज आज राजकोट पहुंच के कल इसके बढ़िया से जो है ना धुलाई करवाएंगे अंदर बाहर दोनों। तो ट्रैफिक का बड़ा गंदा हाल है और अभी हम लोग राजकोट सेकंड रिंग रोड पहुंचने वाले हैं। तो नॉर्मली तो हम लोग गोंडल चौकड़ी होकर फर्स्ट रिंग रोड जो है उससे होते हुए जाते आते हैं, बट अभी जैसा ट्रैफिक का हालत है ना सेकेंड रिंग रोड से ही जाना सही रहेगा, इधर ट्रैफिक कम मिलेगा। वो गया उधर मेन हाईवे और यहाँ हम लोग अब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं सेकेंड रिंग रोड पर। ये एक अनडिवाइडेड 2 लेन हाईवे है और बाद में चल के बनेगा 4 लेन, बट इस पे हमें टाइम कम लगना चाहिए। और यहीं से आपको राजकोट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो है ना वो दिखना शुरू हो जाएंगी, मतलब राजकोट फैलते फैलते इतनी दूर तक आ गया है।